हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम एक कंसेप्ट, एक लॉजिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी मुश्किल आसान बनाएगा। दैट इज सिमेट्री कंसिडरेशंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के केस में जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी हो तो हम क्या क्या लॉजिक्स यूज कर सकते थे। पहले तो हमने सिंपली सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले अप्लाई करने स्टार्ट किए, आइडेंटिफाई किया कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में। उसके बाद हमने देखा कुछ सर्किट कॉम्प्लिकेटेड था जहां पे ये पॉसिबल नहीं था, तो वहां पर हमने किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करने स्टार्ट किए। तो किरचॉफ लॉ किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, किरचॉफ लॉ यूज करने में कई बार टाइम ज्यादा लगता है, वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है। तो अगर बजाय किरचॉफ लॉ के आप सिमेट्री कंसिडरेशंस यूज करें, सिमेट्री को, सर्किट की सिमेट्री को देख के कुछ एनालिसिस करें, सिमेट्री एनालिसिस अगर आप इस्तेमाल करें, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्टकट में सॉल्व कर पाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। बहुत कम टाइम के अंदर, आप लेस देन अ मिनट के अंदर कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रिजॉल्व करके आप उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन कर सकते हैं। तो चलिए जरा आज स्टार्ट करते हैं, क्या है ये सिमेट्री कंसिडरेशंस। पहले कुछ सिंपल सर्किट्स लिए हैं, ये चार सर्किट्स आपके सामने हैं। एक एक करके स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेता जाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कैसे हम सिमेट्री एनालिसिस इस्तेमाल करके, सिमेट्री कंसिडरेशंस को यूज करके इन सर्किट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से रिजॉल्व करके इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम डिटरमिन कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, ये सिमेट्री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री। और मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं, यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। क्या बोलता हूं? यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। बहुत बार आपने क्लास 11th में भी मेरे मुंह से ये सुना होगा, दिस यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। जैसे इस यूनिवर्स की हम बात करें तो हम बार बार कहते हैं यूनिवर्स दो ही चीजों से बना है, मैटर एंड एनर्जी, कोई तीसरी चीज है ही नहीं। एनर्जी को एक मिनट के लिए साइड पर छोड़ते हैं, पहले मैटर की बात करते हैं। मैटर, छोटे से छोटे लेवल पे आ जाओ तो मैटर का फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एटम। अब आप एटम का स्ट्रक्चर देखें कैसा है, सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, और एटम का साइज इतना बड़ा और न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा। एटम का साइज फुटबॉल स्टेडियम जितना है, तो फुटबॉल जितना न्यूक्लियस, इतना छोटा न्यूक्लियस और लार्ज एम्प्टी स्पेसेस विद इन एन एटम। ये आपने पढ़ा स्ट्रक्चर अच्छे से। एटम का डायमीटर न्यूक्लियस के डायमीटर के 10,000 टाइम्स है। मतलब अगर आप विजुलाइज करें, अगर 1 सेंटीमीटर डायमीटर है न्यूक्लियस का, तो एटम का डायमीटर कितना होगा? 10,000 सेंटीमीटर, दैट इज 100 मीटर, ठीक है। तो ये हम सबसे छोटे लेवल पे उतरे। अगर मैं आपके सामने एक पेपर भी लेता हूं, तो बेटा इस पेपर में भी लाखों एटम्स की थिकनेस है, इस पेपर में भी लाखों एटम्स की थिकनेस है, थिकनेस की बात कर रहा हूं, और उसके अंदर उतर के सिर्फ एक एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। और बड़े लेवल पे आ जाएं, आप अपने सोलर सिस्टम को देखें, तो हमारे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं वैसा ही है, सेंटर में न्यूक्लियस की जगह पे सन और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड। और तो और, एक और सिमेट्री है यहां पे, यूनिवर्स लव सिमेट्री। बड़े लेवल पे भी वैसा फिनोमिना, छोटे लेवल पे भी वैसा ही फिनोमिना। अर्थ या बाकी प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करते हैं। इवन अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी का स्ट्रक्चर देखो, वो भी कहीं ना कहीं वैसा है। ज्यादातर गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर, सेंटर में हम ये मान के चलते हैं कोई ना कोई ब्लैक होल है जिसके अराउंड स्टार्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दिस यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। एक और एग्जांपल कई बार आप लोगों को देता हूं मैं बेटा, याद कीजिए, बहुत बार ये एग्जांपल दिया मैंने, कितने लोगों को शेर ने मारा, कितने लोगों को हाथी ने मारा, ऐसे कितने लोगों को जानते हैं, कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको कुत्ते ने काटा है, हाँ कुछ एक तो होंगे, कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको मच्छर ने मारा है। हर साल बेटा मच्छर के मारने से ज्यादा लोग मारे जाते हैं एज कंपेयर टू शेर के मारने से या हाथी के मारने से, ठीक है ना। और अब उन सब मच्छर से भी ज्यादा लोग कौन मार रहा है? कोरोना वायरस, ठीक है। जो जितना छोटा है वो उतना ज्यादा इंपैक्ट है उसका। तो यूनिवर्स की एक सिमेट्री मैं यहां पर भी आपको दिखाता हूं। आप भी अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम सारे कर लेते हैं, लेकिन छोटी चीजें भूल जाती हैं, छोटी चीजों का इंपैक्ट ज्यादा होता है।
जैसे आप अच्छी से अच्छी बुक्स ले लेते हैं, आप अच्छा स्कूल ज्वाइन करते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, छोटा काम करना भूल जाते हैं बेटा, सिस्टम को फॉलो करना, टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और आजकल तो मैं एक चीज और देख रहा हूं, टीचर कुछ और करने को बोलता है, स्टूडेंट उससे आगे या पीछे चल रहा है। ठीक है बेटा, आप कहीं पे भी चलिए, लेकिन आप एटलीस्ट फॉलो कीजिए। आप नहीं जानते टीचर किस तरह से आपके अंदर ये कंसेप्ट बुनने में लगा हुआ है। जैसे वो एक बुनकर एक एक धागा बुनते हुए पूरा शॉल बुनता, तो इस तरह से हम कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, इस चीज को याद रखिए। तो लिमिटेड टाइम के अंदर ये कंसेप्ट किस तरह से ग्रो कराना है। कुछ बच्चे सीधा डायरेक्टली शॉर्टकट पे जाते हैं, तो डायरेक्टली शॉर्टकट पे मत जाइए, पहले तकलीफ होने दो, उसके बाद शॉर्टकट, हो सके तो शॉर्टकट आपका ब्रेन खुद डेवलप करे। चलिए एनीवे, ज्यादा बातें ना करते हुए हम बात कर रहे थे यूनिवर्स की सिमेट्री की। कई बार सिमेट्री कंसिडरेशन से बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हमारे लिए आसान हो जाती हैं, उनको एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की। अब आप बोलोगे सर रिफ्रेक्शन पे कहां आ गए, बेटा मैं सिमेट्री की बात कर रहा हूं, सिमेट्री आपको समझाने जा रहा हूं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की सिमेट्री पे आएंगे। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में आपने पढ़ा कि अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, कोई रे ऑफ लाइट अगर रेयरर से डेंसर में आने की कोशिश कर रही है तो इट शुड बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। अगर ये रे स्ट्रेट जाती तो ये इसका स्ट्रेट लाइन पाथ था, बट ये स्ट्रेट ना जाकर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप जानते हैं, ये ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश करे, ये इसका स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये यहां पे मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, Instead of going straight, it will bend away from the normal. याद होगा आपको? अब आप मुझे ये बताइए, अच्छा इसका रीजन क्या था? रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो पाथ को छोटा करने की कोशिश कर रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो पाथ को लंबा करने की कोशिश कर रही है, और सबसे छोटा पाथ होता नॉर्मल पाथ। तो रेयरर से डेंसर में जाते ही स्पीड कम हुई तो रे ऑफ लाइट ने सोचा मैं अपना पाथ छोटा कर लूं, तो सबसे छोटा पाथ नॉर्मल पाथ है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। जब डेंसर से रेयरर में जाने लगी तो इसने कहा अब स्पीड बढ़ गई तो पाथ लंबा करते हैं, इसलिए ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी। बट एक चीज और, अगर ये रे रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर कहीं पे भी जाए, बट अगर नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हो, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रे का, तो क्या होता है? इट पासिस स्ट्रेट अनडेविएटेड, फिर चाहे ये डेंसर से रेयरर में जाए या रेयरर से डेंसर में जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये ऑलरेडी सबसे छोटा पाथ है तो इसलिए ये छोटा पाथ करने की कोशिश करती है, इसलिए रेयरर से डेंसर में जाते वक्त ये बेंड नहीं हुई। बिल्कुल सही है, तो फिर डेंसर से रेयरर में जाते वक्त क्यों बेंड ना हुई? अब तो उसको पाथ लंबा करना था। तो अगर यहां पे आप सिमेट्री कंसिडरेशन अप्लाई करोगे, ये प्रॉब्लम आपके लिए सिंपल हो गई। हाँ, इसका मैं एग्जैक्ट रीजन आपको समझाऊंगा जब मैं आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहां पे सिमेट्री कंसिडरेशंस की बात करते हैं। ठीक है भाई, डेंसर से रेयरर में आ गया, अब इसको पाथ लंबा करना था। अब आप मुझे बताइए, इसको इधर बेंड करना चाहिए या इधर बेंड करना चाहिए? दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। खैर, इस प्लेन में दो दिख रही हैं, प्रैक्टिकली तो ये इधर बेंड हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, कोनिकल प्रोजेक्शन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकती थी। फिर ये कहां जाती? अगर इधर जाती तो सवाल आता कि भाई इसने ये पाथ क्यों नहीं चूज किया, इधर आई तो सवाल आया ये पाथ क्यों नहीं चूज किया। तो अब यहां पे अप्लाई करते हैं, भैया सिमेट्री ये कहती है कि इधर इधर ये चारों दिशाएं इसके लिए एक जैसी हैं, तो इसलिए कहीं पे भी नहीं जाएगी, ये सीधा स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। दिस इज कॉल्ड ए सिमेट्री। समझ आई सिमेट्री? तो दिस इज सिमेट्री। आप देखिए, हमने एक शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन किया था गॉशियस लॉ की एप्लीकेशंस में। मान लीजिए ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है हमारे पास, दिस इज एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के जस्ट एक सेंटीमीटर यहां आके आप खड़े हो गए। अब सवाल ये कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगर यहां शीट पे चार्ज पॉजिटिव है तो नॉर्मली आउटवर्ड्स, अगर नेगेटिव है तो नॉर्मली इनवर्ड्स। यहां पे भी ये बाद में तो हमने प्रूव किया है सब चीजें, हमने गॉशियस लॉ भी यूज किया, लेकिन सब चीजों को छोड़िए, सिमेट्री कंसिडरेशन हमें खुद ही बता देती है कि इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हो, नॉर्मली अवे। क्योंकि सवाल ये कि अगर ये इधर होगा तो इधर क्यों नहीं होगा, किसी और डायरेक्शन में होगा, तो ऐसी कई पॉसिबिलिटीज हैं। शीट इतनी इनफाइनाइट है भाई, ये सारा पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड क्रिएट कर, तो फील्ड को कहां जाना चाहिए? इससे नॉर्मली अवे ही जाना चाहिए। ये सब सिमेट्री कंसिडरेशंस हैं। तो वैसे जब हम सिमेट्री कंसिडरेशन को इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई करें तो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे इन सिमेट्री कंसिडरेशंस को, आज हम ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, इसके बाद और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। कुछ एक स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट्स पूछे हैं, वो भी आज की क्लास में मैं कवर करूंगा। आज की क्लास
कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप डिटरमिन कर पाएंगे बाय कंसीडरिंग सिमेट्री ऑफ द सर्किट। तो चलिए बेटा सिमेट्री पे चलते हैं। सबसे पहले यहां पे बेटा दो तरह की सिमेट्री होती है। सबसे पहली सिमेट्री को हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे मिरर सिमेट्री की जगह हम कई बार परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कहते हैं, और कई बार हम इसे लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री आप इनमें से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, वैसे भी ये शॉर्टकट है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एमसीक्यूज में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी सिमेट्री वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप किस तरह से ये सिमेट्री अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और दूसरी सिमेट्री है जिसे हम कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री को हम पैरेलल सिमेट्री भी कहते हैं, या फिर हम इसे लैटरल सिमेट्री भी कई बार कहते हैं, लैटरल सिमेट्री, ठीक है। सो एनीवे मेनली नाम फोल्डिंग और पैरेलल ही ज्यादा यूज होते हैं, मिरर और परपेंडिकुलर सिमेट्री ही ज्यादा यूज होते हैं। तो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आपको किसी सर्किट को एनालाइज करना है तो आपने देखना है क्या यहां पे कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा हो कि जिसके लेफ्ट साइड राइट साइड या अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो उसके ऊपर और नीचे का पार्ट आइडेंटिकल हो, अगर वर्टिकल एक्सिस लिया तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होनी चाहिए कि अगर आप इसको फोल्ड करें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपके सामने यहां दो प्रॉब्लम्स ली हैं। पहली प्रॉब्लम पे मैं मिरर सिमेट्री अप्लाई करूंगा, दूसरी प्रॉब्लम पे फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करूंगा। इसमें मिरर अप्लाई ही नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं वो आपको अपने आप क्लियर होगा, जरा ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। तो देखिए बेटा जब भी मिरर सिमेट्री अप्लाई करनी है, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस आपको डिटरमिन करनी है ए और बी, अगर मैं इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसके अबाउट आपको जिन पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है, इन पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो इसके परपेंडिकुलर अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो उसे हम परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कह सकते हैं, या फिर हम उसे मिरर सिमेट्री कह सकते हैं, परपेंडिकुलर सिमेट्री या मिरर सिमेट्री या लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पे एक एक्सिस देखिए, कोई ऐसा एक्सिस आपको दिख सकता है कि जिसके अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है, तो ये जो रेड कलर से मैंने लाइन यहां पे मार्क की, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप देखिए इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सिमेट्रिक है कि नहीं, अगर आप इसको यहां से फोल्ड करें तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे सारे रेजिस्टर्स। लेफ्ट साइड पे 6 ओम है तो राइट साइड पे भी इसकी मिरर इमेज 6 ओम है, लेफ्ट साइड पे 3 ओम है तो राइट साइड पे भी 3 ओम है, और 5 ओम के बीच है तो ये एक्सिस पास कर ही रहा है। 5 ओम का क्या करेंगे ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ आया आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, और ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, मिरर सिमेट्री। दूसरे केस में यहां पे बेटा मिरर सिमेट्री एप्लीकेबल नहीं, अगर मैं यहां से एक एक्सिस पास करूं तो देखो ये और ये सिमेट्रिक नहीं है, ये और ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हो सकते। हां अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां से पास करवाऊं तो देखिए क्या इस एक्सिस के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है, इन दिस केस दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन दिस केस दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस एक्सिस के अबाउट सर्किट देखिए ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सिमेट्रिक है कि नहीं, यस। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री या पैरेलल सिमेट्री। पैरेलल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जिन पॉइंट्स के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए, वही लाइन या उस लाइन के पैरेलल अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ए और बी कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है। तो अगर इनके पैरेलल है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सच ए सिमेट्री इज पैरेलल सिमेट्री या फिर फोल्डिंग सिमेट्री, और अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सच ए सिमेट्री इज सेड टू बी मिरर सिमेट्री। समझ आ गया, सबसे पहले मिरर और फोल्डिंग सिमेट्री क्या है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा डिटरमिन करने के लिए तो किन्हीं दो पॉइंट्स के क्रॉस होगी ना, इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो तो इसके परपेंडिकुलर अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसे हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री, या सिंपल वर्ड्स में कहें पॉइंट ए एक साइड पे लाई कर रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के और पॉइंट बी दूसरी साइड लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलेंगे मिरर सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री उन्हीं पॉइंट से पास कर रहा है
जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है। यहां पे दोनों पॉइंट्स उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं, यहां ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। ऊपर नीचे कहना गलत होगा, मे बी पॉइंट्स ए और बी यहां पे भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब की बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से पास करेगा, उन पॉइंट से जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है। तो ऐसी सिमेट्री होगी फोल्डिंग सिमेट्री। समझ आई ये बात, अच्छे से क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, अगर मिरर सिमेट्री आपको दिख रही है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट। इस एक्सिस पे जितने पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल बराबर होगा, ये याद रखिएगा एक चीज। यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जितने पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा, यहां पर ऐसा नहीं है। फोल्डिंग सिमेट्री के केस में ऐसा नहीं पॉसिबल है, बट मिरर सिमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है बराबर होगा। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लो या इस पॉइंट का पोटेंशियल लो या इस पॉइंट का पोटेंशियल लो, इसका लो इसका लो, इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक रहेगा इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये सर्किट सिंप्लीफाई करने में ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मिरर सिमेट्री है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, करंट इज सेम इन मिरर इमेजेस, इन मिरर इमेजेस। यहां इमेजेस से हमारा मतलब है मिरर कॉपीज कह लो, कि अगर इसकी इमेज यहां पे है, ये इसकी कॉपी है ना, हमने इसीलिए तो इसको मिरर सिमेट्री कहा कि मिरर के सामने लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है तो मिरर के बिहाइंड आपको इमेज दिखती है सरफेस के अंदर। तो इस 6 ओम की इमेज, अब आप इसको कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, मिरर कॉन्जुगेट्स कह लो, मिरर इमेजेस कह लो, या कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेज भी कह सकते हैं आप इसको, मिरर कॉन्जुगेट्स कह लो या कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेज। तो कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेज में करंट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो यह चीज आपको याद रहेगी। फोल्डिंग सिमेट्री पे आगे चलते हैं, पहले फिलहाल मिरर सिमेट्री, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, बस दो ही चीजें, पहले मिरर सिमेट्री है क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से पास कर रहा है। अगर आपको यह चीज समझ आ गई, इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और दूसरा करंट सेम होना चाहिए कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेज में। कॉन्जुगेट का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड पर जो रेजिस्टेंस है, इस 6 ओम का कॉन्जुगेट ये है, इस 3 ओम का कॉन्जुगेट ये है, या कॉरस्पॉन्डिंग कह लो, कुछ भी कह लो। सो इट हार्डली मैटर्स कि आप नाम क्या दे रहे हैं, मैटर करता है लॉजिक आप पिक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए बेटा क्विकली सॉल्व करते हैं इसको। तो जब भी ये मिरर सिमेट्री अप्लाई करें तो कोशिश करें यहां से कुछ करंट फ्लो करवाएं, ठीक है? पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? 6/6 = 1, 3/3 = 1, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। या यहां से देखिए 6/3 = 2, 6/3 = 2, दैट मींस इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अलग अलग तरीके से करके देखते हैं ना, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सिंस इट अपीयर्स फ्रॉम द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस दैट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ बैलेंस्ड ब्रिज। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो पक्की बात है इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल सेम है तो इनके बीच में रेजिस्टेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस 5 ओम को सर्किट से एलिमिनेट कर सकते हैं, सर्किट से हटा सकते हैं। अगर इसको सर्किट से हटा दिया, क्योंकि यहां कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, अब ये 6 और 6 सीरीज में, ये 3 और 3 सीरीज में, और फिर आपस में पैरेलल में, तो कितनी आसानी से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन कर सकते थे। लेकिन यहां क्या अप्लाई किया मैंने, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। मान लो आपको नहीं आता, अब हम अप्लाई करते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में पहली चीज क्या बोली थी मैंने, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, तो इसने भी वही इंफॉर्मेशन दी, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर इसका वी है तो इसका पोटेंशियल भी वी है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इनके बीच में रेजिस्टर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इन दोनों के बीच में आप रेजिस्टर कनेक्ट करें या ना करें, वैसे भी यहां पे करंट नहीं फ्लो करने वाला, तो हम इस रेजिस्टेंस को सर्किट से एलिमिनेट कर दो। जैसे आप इस रेजिस्टर को सर्किट से एलिमिनेट करोगे तो सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, यस या नो? ठीक है, दूसरा लॉजिक, अगर आप ये लॉजिक ना अप्लाई करते, हमने कहा करंट इज सेम इन मिरर इमेजेस या इन कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेज, टोटल करंट अगर यहां से आई एंटर कर रहा है, सपोज इसमें से आई वन ऊपर फ्लो कर रहा है,
I2 नीचे फ्लो कर रहा है। अभी यहां वाला रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं वापस 5 ओम। अब ये I1 6 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 हमने क्या बोला था, मिरर इमेजेस में से करंट सेम आएगा, तो इस 6 ओम से भी करंट कितना होना चाहिए I1? वैसे यहां से ये करंट I2 आ रहा है, तो इसकी मिरर इमेज से भी करंट कितना होना चाहिए I2? भाई अगर सारा का सारा करंट I1 इधर चला गया, ये सारा I2 इधर चला गया, तो बीच में करंट क्या जाएगा? नहीं जाएगा। जब करंट नहीं जाएगा तो आप इस रेजिस्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं सर्किट से। यस, कैन इट बी डन? तो हमने इसको सर्किट से एलिमिनेट कर दिया। अब बताइए सर्किट सिंपल हो गया कि नहीं? सो विल यू बी एबल टू डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? यू शुड बी एबल टू। देखो इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? सीरीज में तो R1 प्लस R2 12 ओम, इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 ओम प्लस 3 ओम 6 ओम। नॉट 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, और पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अब ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस, ये इन दो का पैरेलल है, तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो हम यूज करते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस ओके, तो इट कम्स आउट टू बी 4 ओम। 12 6 आर 72, 12 प्लस 6 18, 18 4 आर 72। सो ओवरऑल इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 4 ओम। ये सिंपल था। आप इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी अप्लाई कर सकते थे, सिमेट्री ना भी अप्लाई करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी हमने करके देखा, वही लॉजिक आ रहा है। मिरर सिमेट्री देखी तो पहला लॉजिक अप्लाई किया, वी कांस्टेंट होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, तब भी वही रेजिस्टेंस आ रही है। दूसरा लॉजिक अप्लाई किया कि करंट इज सेम इन मिरर इमेजेस। इन जनरल एक चीज और याद रखिए, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कोई रेजिस्टर लाई करता है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, क्योंकि हमने बोला पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई रेजिस्टेंस है तो आप याद रखिए एलिमिनेट रेजिस्टेंसेस लाइंग ऑन इट, एलिमिनेट रेजिस्टेंसेस लाइंग ऑन इट। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कोई भी रेजिस्टर लाई कर रहा है तो आप उस रेजिस्टर को एलिमिनेट कर दीजिए, आपका सर्किट सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली पोटेंशियल की कंसिडरेशन से भी वही मिला, करंट की कंसिडरेशन से भी वही मिला, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करने वाली सारी रेजिस्टेंसेस को एलिमिनेट करो, आप बहुत कंफर्टेबली इस सर्किट को रिजोल्व कर पाएंगे, सिंप्लीफाई करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन कर पाएंगे। तो दिस वॉज मिरर सिमेट्री। आई होप बेटा मिरर सिमेट्री क्लियर हुआ होगा। कौन सी सिमेट्री? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन इट इज मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, या ऐसा कहिए जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के जो मिरर इमेजेस आ रही है, इस रेजिस्टेंस की मिरर इमेज ये आ रही है, तो इन दोनों में करंट सेम होगा, इन दोनों में करंट सेम होगा। अभी तो सिर्फ चार रेजिस्टेंस का सर्किट था, चार से ज्यादा भी कनेक्टेड हो सकते हैं, और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज फोल्डिंग सिमेट्री, जिसको हम पैरेलल सिमेट्री भी कहते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री कौन सी है? अभी अभी बताया था, जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री उन पॉइंट से पास करे जिन पॉइंट्स के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है। देखिए अब इसके रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे का पार्ट सिमेट्रिक हुआ कि नहीं? ऊपर और नीचे का पार्ट सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आप इसको फोल्ड करो तो यहां पे ये इनकी मिरर इमेजेस हैं। वहां बोला था जो मिरर इमेजेस में रेजिस्टेंसेस आ रही हैं करंट सेम होगा, यहां पर क्या होगा? फोल्ड करने पर जो कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स, पोटेंशियल ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स इज सेम। मतलब यह हुआ कि अगर इस पॉइंट का, अगर इसको फोल्ड करोगे तो यह पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड करेगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है तो पक्की बात है इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V1 होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है तो पक्की बात है इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V2 होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V3 है तो पक्की बात है इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V3 होगा। ये इसका मीनिंग है। बस इतना सा लॉजिक याद रखा, आपका सर्किट अपने आप सिंपल हो जाएगा। तो लॉजिक क्या याद रखना है? यहां कॉन्जुगेट पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, इसमें कॉन्जुगेट पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं है, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं है। हाँ, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है मिरर सिमेट्री के केस में, बट फोल्डिंग सिमेट्री में ऐसा नहीं है, एक्सिस पे सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल किसका सेम है? जो कॉन्जुगेट पॉइंट्स है, मतलब मिरर इमेजेस, रेजिस्टेंसेस की इमेजेस नहीं, ये इमेजेस नहीं, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, राइट।
और यहां, हां यहां पर भी एक चीज तो है, करंट यहां पे भी सेम होगा जो कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेज है, बट यहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, यहां पे भी करंट इसमें से और इसमें सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए जरा क्विकली आगे बढ़ते हैं बेटा। इस सर्किट को अगर रिजोल्व करना हो, देखिए इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर, इस रेजिस्टर को एलिमिनेट कर सकता हूं? क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो यहां तो करंट नहीं फ्लो करने वाला। ठीक है, दूसरा तरीका यह था इसको देखने का कि आप इसको फोल्ड कर दो बेटा, आप इसको फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से सर्किट को फोल्ड करो, नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके ऊपर ले आओ बस, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इनको क्यों ना इकट्ठा रख दिया जाए। तो पॉइंट V1 पोटेंशियल 6 ओम इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V1, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 माइनस V1, मतलब ये दोनों 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब आप इस सर्किट को सिंपल करने के लिए क्या कीजिए, इसका एक पार्ट ड्रॉ कीजिए, या तो आप इसको ऐसे देखिए, मैं अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाता हूं। ये आ गया हमारा पॉइंट ए, यहां पर एक 6 ओम ये ऊपर कनेक्टेड है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, एक 6 ओम यहां कनेक्टेड है, एक 6 ओम यहां कनेक्टेड है, वैसे ही V2 और V3 के बीच में, और यहां पे ये इस पॉइंट का पोटेंशियल V3 है, दिस इज 3 ओम, दिस इज अगेन 3 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो इन दोनों को, इनको क्योंकि ये पॉइंट सेम है, ये V2 है, इसका भी पोटेंशियल V2 है, कनेक्टिंग वायर है, नहीं तो आप इनको एक ही पॉइंट बना के रख सकते हैं। ठीक है, इनका पोटेंशियल कितना है V2। अब 6 और 6 पैरेलल में है, 3 और 3 पैरेलल में, और 5 को तो एलिमिनेट कर ही दीजिए क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला, और वैसे भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यहां पे भी एप्लीकेबल है, 6/3 2 6/3 2 रेशियो बराबर है, यहां देखो 6/6 1 3/3 1 यहां पे भी रेशियो बराबर है, तो पक्की बात है इस डायगोनल ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा इस व्हीटस्टोन ब्रिज में, और सिमेट्री भी हमें यही कह रही है, हमने फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई की, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, यहां कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसलिए हम चाहें तो इस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट, अच्छा अब ध्यान दो बेटा, ये 6 और 6 पैरेलल में है तो इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 ओम। जब भी दो आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R by N, तो 6/2 मतलब 3 ओम, और ये 3/2 ओम या फिर 1.5 ओम। अब ये दोनों सीरीज में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आ जानी चाहिए, 4.5 ओम आएगी कि नहीं, सोचिए। ठीक है, और सिंपल करने के लिए, मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, वहां टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप एक काम कीजिए बेटा, जो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ये 5 ओम रेजिस्टर है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बोर्ड इस सर्किट को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने का मतलब ये हो गया सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ करो या सिर्फ नीचे वाला पार्ट। तो ये है हमारा पॉइंट ए, पॉइंट ए से ये ऊपर आ गए, ये एक 6 ओम का रेजिस्टर आया, 6 ओम के आगे यहां पर ये 3 ओम का रेजिस्टर आया, और ये आ गया हमारा पॉइंट बी, और यहां से ये 5 ओम वाला रेजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट को जैसे ही फोल्ड करके ऊपर लाए तो यहां 2 6 ओम के रेजिस्टर्स आ गए, मतलब दोनों आपस में पैरेलल में, जो कि मैंने यहां पे भी शो किया। तो अब डायरेक्टली क्या कर दो, 6/2, यहां पे कितना है 3, तो 3/2। तो ये याद रखिएगा बेटा, फोल्डिंग सिमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट इसको फोल्ड करने का मतलब यह है कि जो जो रेजिस्टेंस यहां पे है, इसी के पैरेलल में एक आइडेंटिकल रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया। तो जब दो आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में आ गए तो रेजिस्टेंस R by 2 हो जानी चाहिए। तो आप क्या करो, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट, ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, सिर्फ एक पार्ट ड्रॉ करो, हाँ उसमें हर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ कर दो। वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं 5/2 ओम। ठीक है, अब चलना है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। देखो 5/2 का दूसरा एंड फ्री पड़ा हुआ है, तो अगर हम यहां से सप्लाई देंगे, बैटरी कनेक्ट करें और बी के क्रॉस, तो करंट तो इधर से फ्लो करता हुआ इधर जाएगा, इस 5/2 में तो आएगा ही नहीं क्योंकि बीच में यहां पे कट रहा है ये सर्किट, ये एंड इसका फ्री है, तो यहां से करंट तो नहीं फ्लो करेगा, तो इसको हम सर्किट से हटा देते हैं। अगेन 6/2 इज 3, 3/2 इज 1.5, इन दोनों को ऐड करो तो फिर से रेजिस्टेंस कितनी आ जानी चाहिए, दैट शुड बी 4.5 ओम। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आई आपको? तो पहले हमने मिरर सिमेट्री अप्लाई की, अब हमने फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री ए और बी परपेंडिकुलर सिमेट्री, ये ए और बी के पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें
एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, करंट इज सेम इन मिरर या कंजुगेट रेजिस्टेंसेज या मिरर इमेजेस कह लो, और यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री में कॉन्जुगेट पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, यहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, यहां कॉन्जुगेट पॉइंट्स का, इसका 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 इसका, इस तरह से, ठीक है। यहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसको एलिमिनेट कर दो, यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं करो, बस इसको फोल्ड करके ऊपर ले आओ, मतलब आधा हिस्सा ड्रॉ करो और हर रेजिस्टेंस को हाफ 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 लिख दीजिए, आप अपने आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, सर्किट बहुत ही सिंपल हो चुका होगा, राइट। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते बेटा प्रॉब्लम नंबर 3 पे। अब आपके सामने एक सर्किट और ड्रॉ किया मैंने, 1 2 3 4 5 6, इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 रेजिस्टेंसेज। तो इस सर्किट में भी हम सिमेट्री एनालिसिस से रेजिस्टेंस डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे पॉइंट्स ए और बी के अक्रॉस। अगर हम ए से करंट फ्लो कराते हैं, बी से बाहर आता है ये करंट, तो इन बिटवीन ए और बी के बीच में ये पूरा नेटवर्क कितनी टोटल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यहां हर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। विल यू बी एबल टू डिटरमिन, कोशिश कीजिए जरा कौन सी सिमेट्री अप्लाई करें। क्या यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री एप्लीकेबल है, पैरेलल सिमेट्री? यहां से अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करें नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो देखिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला पार्ट आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर फोल्ड करूं तो ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहां कौन सी सिमेट्री एप्लीकेबल है, मिरर सिमेट्री। जब मिरर सिमेट्री एप्लीकेबल है तो मिरर सिमेट्री में हमने क्या कहा था, एलिमिनेट रेजिस्टेंस इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दो, राइट। अपने आप सर्किट सिंपल हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में एक ए आर, ये आर और आर मिलके 2R, और ये एक ही पाथ पे हैं तो ये भी मिलके कितना होंगे 2R, 2R, 2R एंड 1R, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल नाउ। तो ये तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो कितना आराम से कितना कंफर्टेबली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। या अगर आपको ये लॉजिक नहीं याद रहता, एलिमिनेट रेजिस्टेंस इज लाइंग ऑन इट, करंट इज सेम इन मिरर या कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेस, तो ये लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए यहां करंट फ्लो कर रहा है I1, यहां करंट फ्लो कर रहा है I2, और यहां पे करंट फ्लो कर रहा है I3, ठीक है। ये करंट तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सपोज एक मिनट के लिए फिर से ये रेजिस्टर वापस कनेक्ट करता हूं। अब इसकी मिरर इमेज क्या है ये, तो इसमें से भी करंट कितना फ्लो करेगा I2, इसकी मिरर इमेज, खैर ये दोनों साइड क्या होगा, R/2 इधर हो गया और R/2 इधर हो गया, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस इसमें से भी, यहां से I1 है तो यहां से भी I1, फिर यहां से करंट अगर I3 जा रहा है तो इसमें से भी करंट I3 आएगा। भाई अगर I3 यहां गया और I3 इधर आ गया, मतलब इधर कुछ नहीं आया। I2 यहां गया और इधर चला गया, तो इस पाथ में तो कोई करंट नहीं फ्लो किया, सिंस यहां करंट नहीं फ्लो किया, तो इस रेजिस्टेंस को हम उस लॉजिक के बेसिस पे भी एलिमिनेट कर सकते थे, या डायरेक्टली कहिए एलिमिनेट रेजिस्टेंस इज लाइंग ऑन इट। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, आप ध्यान से समझना, इसको अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये R और R, 2R, तो क्या हम इस सर्किट को इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहले A और B के क्रॉस ऊपर ये कितनी रेजिस्टेंस आ गई, 2R, ये पॉइंट्स A और B हैं, ये 2R कौन सा है, दिस R एंड R, ए सी बी ब्रांच की रेजिस्टेंस। सिमिलरली ए ओ बी की रेजिस्टेंस भी R और R, ये भी कितनी है 2R, ये भी 2R, और A और B के बीच में डायरेक्टेड एक रेजिस्टर कनेक्टेड है स्मॉल R। अब तीनों पैरेलल में हो गए, तो 1/R पैरेलल क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, इजंट इट। LCM इन तीनों का 2R आ गया, 1 + 1 + 2, यानी कि 4/2R, 4/2R, यानी कि सॉरी R डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो R पैरेलल या R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B कह लीजिए, दैट इज R/2 ओम। तो आपको मिल गया रेजिस्टेंस, राइट। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक लॉजिक और भी एप्लीकेबल था। देखो कोई एक लॉजिक अगर आपने पकड़ लिया, अभी हमने करंट सेम था तो भी ये रेजिस्टेंस एलिमिनेट करना पड़ा। हम दूसरा हमने डायरेक्टली कहा था लिमिट रेजिस्टेंस इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ मिरर सिमेट्री। तीसरा एक लॉजिक हम यहां पे और भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा पार्ट यहां से।
अभी अभी हमने कहा था कि इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का, सी का, ओ का और लेटर से ये रेजिस्टेंस का मिड पॉइंट है डी, इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो अब हम इस तरीके से भी रीड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और ए और बी के बीच में इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, सी ओ और डी, सी ओ डी, इन दोनों तीनों पॉइंट्स का चूंकि पोटेंशियल सेम है तो आप इनको ज्वाइन करके ए की जगह पे ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक आर, ये वाला आर, ए और ओ के बीच में भी एक आर है तो पॉइंट ओ भी तो यहीं पे है, एक आर ये आ गया। अब ए और डी के बीच में ये बेटा हाफ हो जाएगा क्योंकि दो पार्ट्स में है ना आर, तो ये आर बाय टू होना चाहिए, सो यहां पर एक आर बाय टू। सिमिलरली इस पार्ट में भी देखो, देखो इसमें क्या कर सकते हो, इस पार्ट में भी बिल्कुल आइडेंटिकल सेटअप बनेगा, आर आर और नीचे वाले पार्ट पे कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज आर बाय टू। अब ये तीनों पैरेलल में है, इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट डिटरमिन करो उसके बाद सीरीज में ये आएगा, इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट डिटरमिन करो उसके बाद सीरीज में हम ये लेंगे। तो ध्यान देना जरा, इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 2 बाय आर, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 2 बाय आर, तो वो तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो 1 बाय आर पैरेलल होगा, सिंपली पैरेलल के फॉर्मूले तो आप जानते हैं, तो ये आ जाएगा आर बाय 4। तो वैसे इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट भी क्या आना चाहिए, आर बाय 4। अब R by 4 सीरीज में, तो दोनों को ऐड करो तो ओवरऑल इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आ जानी चाहिए, R by 2, हमने पहले भी डिटरमिन करके रखी है, दैट इज R by 2। समझ आ रही है बात, तो कोई लॉजिक इनमें से कुछ एक पकड़ लो, बस ये लॉजिक पकड़ के रखोगे, हो सकता है ये वीडियो रिपीट करना पड़े तो कर लो बेटा, ये आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी टाइम की। तो ये चीज समझ आई आपको। दूसरा, जैसे मैंने यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री में बताया कि आप आधा पोर्शन ड्रॉ करो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर वाला और हर रेजिस्टेंस को हाफ कर दो, वैसा ही कुछ लॉजिक यहां पे भी एप्लीकेबल है। जरा सोच के देखो, यहां पे अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इसका आधा पोर्शन ड्रॉ करो, इस आधे पोर्शन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करो और उसको डबल कर लो, फाइनली आधे पोर्शन की रेजिस्टेंस और फिर बाद में उसको डबल कर लो, एक ऑप्शन ये है। या फिर ऐसा है कि आधा ही पोर्शन ड्रॉ करो, यहां पे क्या कर रहे थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर वाला आधा ड्रॉ कर रहे थे, रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे थे फोल्डिंग सिमेट्री में, बट मिरर सिमेट्री में आप सिर्फ आधा पार्ट ड्रॉ कीजिए और हर रेजिस्टेंस को डबल कर दो। अगर मैं ये पार्ट ना ड्रॉ करूं, इसमें आर को 2R कर दूं, इसको 2R कर दूं, इसको 2R बाय 2 मतलब आर, तो ये वापस ये सर्किट बना कि नहीं। तो सबसे इजी शॉर्टकट, अब ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर मिरर सिमेट्री आ रही है तो एक साइड वाला सर्किट ड्रॉ करो, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, इनको आपस में मिला दो, बीच में कोई रेजिस्टेंस है तो एलिमिनेट कर दो और हर रेजिस्टेंस को डबल कर दो, 6 की जगह यहां 12 कर दो, 3 की जगह यहां 6 कर दो, और वैसे भी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 12 और 6 ही तो आ रहा था इनका, 12 और 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट ही तो डिटरमिन किया था हमने, समझ आई बात। सो मिरर सिमेट्री में एक हिस्सा ड्रॉ करो, इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर दो, एक हिस्सा ड्रॉ करो और इसमें हर रेजिस्टेंस को डबल कर दो, या ऐसा करो या डबल मत करो, जो इक्विवेलेंट आएगा बाद में उसको डबल कर लो क्योंकि राइट साइड वाला पार्ट सिमेट्रिक है, समझ आई बात, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है, तो यहां सिर्फ एक आधा हिस्सा ड्रॉ करो और आधे हिस्से की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करके डबल कर लो, या ऐसा करो आधा हिस्सा ड्रॉ करो और हर रेजिस्टेंस को डबल करके रख लो पहले से और बाद में उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया ये क्वेश्चन, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक और एग्जांपल है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4। हाँ तो बेटा यहां पे 8 रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क है हमारे पास। अब ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, मान लीजिए ए से करंट फ्लो करता हुआ गया और बी से बाहर आया, तो अब आपको इस नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है कि यहां ये कितनी रेजिस्टेंस इसको ऑफर कर रहा है। तो किस तरह से कर सकते हैं हम, जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। यहां पे बेटा अब आप कौन सी सिमेट्री अप्लाई करोगे, सोचो, क्या आप फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करोगे, क्या आप मिरर सिमेट्री अप्लाई करोगे। फोल्डिंग में तो एक्सिस यहां से पास करता है ए और बी से, यहां क्या कोई ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है,
नहीं है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें दोनों सिमेट्री अप्लाई हो सकती है, एक ही सर्किट के अंदर दोनों सिमेट्री एप्लीकेबल होंगी, फोल्डिंग सिमेट्री भी और मिरर भी। फिलहाल इसमें देखिए कौन सी सिमेट्री एप्लीकेबल है, फोल्डिंग तो एप्लीकेबल नहीं है, एक ही सिमेट्री एप्लीकेबल है, दैट इज मिरर सिमेट्री या परपेंडिकुलर सिमेट्री। वो सिमेट्री क्या है, अगर मैं ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं फिर इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ए बी के परपेंडिकुलर है, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसके परपेंडिकुलर है तो इट इज द केस ऑफ मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। तो अभी शॉर्टकट में क्या बताया मैंने, मिरर सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो अब ये यहां पे सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम आ रहा है इस एक्सिस पे, तो हाँ ये वाली रेजिस्टेंस इस साइड भी आर बाय टू होगी, इस साइड भी आर बाय टू, आर को आधा आधा बांट दिया हमने, इस R को भी आधा आधा बांटते हैं, R by 2 एंड R by 2। अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं जिसको एलिमिनेट करें, हाँ पोटेंशियल सेम है तो सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रख सकते हैं, इन तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं, या मैंने अभी अभी कहा आप आधा हिस्सा ड्रॉ करो, आधे हिस्से को एलिमिनेट कर दो और इन सब की रेजिस्टेंस को डबल करके फिर इक्विवेलेंट निकाल लो, एक ऑप्शन ये है, या आधे हिस्से की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बाद में इनटू टू कर दो। तो इस आधे हिस्से की रेजिस्टेंस डिटरमिन करते हैं बेटा, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो जरा देखते हैं इन सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के अक्रॉस कौन कौन से रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। मान लो ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, तो ओ पी क्यू का पोटेंशियल सेम है, तो एक साइड हमारे पास पॉइंट है ए, तो यहां पर हमारे पास बेटा पॉइंट है ए और यहां पर पॉइंट आ गया ओ भी पी भी और क्यू भी, तीनों का पोटेंशियल सेम है ओ पी क्यू। अब यहां पर फिर थोड़ा सा फंस सकते हैं आप, देखिए अगर हम ऐसा करते तो यहां फिर कंफ्यूजन आ रही है, ये पॉइंट ये तो ये तो पैरेलल में होंगे बट बीच में ये रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहां पे बेटा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें और करना पड़ेगा, यहां करंट वाला लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट वाला लॉजिक अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो करंट वाला देखिए, यहां से ए से जो करंट एंटर किया वो यहां फ्लो किया आई वन, यहां फ्लो किया आई टू, ये करंट वाला लॉजिक बेटा रामबाण है, अल्टीमेटली कुछ लगे ना लगे ये तो हर जगह आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो मिरर इमेजेस में करंट सेम जाना चाहिए, यहां इसकी मिरर इमेजेस आर बाय टू की आर बाय टू, ये खैर वहां तो आई वन ही जाएगा क्योंकि पाथ ही एक है। अब इसकी मिरर इमेज ये है ना यहां पे, तो ये जो करंट I2 है ये इसमें फ्लो कर गया, ये जो I3 यहां से जा रहा है तो पक्की बात है ये I3 यहां से, इसकी मिरर इमेज ये है, तो ये करंट I3 इसमें से भी फ्लो करना चाहिए, हालांकि यहां जाके हो सकता है इस I3 में से I4 इधर आ जाए और बचा हुआ I5 इधर चला जाए, पक्की बात I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, इसकी मिरर इमेज ये है तो ये इधर चला जाएगा I4 और ये I5 वापस मिलके क्या बना देंगे I3 इस तरह से। तो देखिए जब यहां से करंट आ रहा बेटा I2 तो ये इधर चला गया, इधर से जो करंट I4 आया वो इधर चला गया, तो ये जो जंक्शन है ये एक फेक जंक्शन है, एक फॉल्स जंक्शन है, यू कैन से दिस इज अ फॉल्स जंक्शन, ये एक्चुअली जंक्शन है ही नहीं। यहां पर क्या था, जो करंट आ रहा था वो यहां से इधर चला गया और यहां वाला करंट इधर से इधर चला गया, ठीक है। तो इस जंक्शन को हटा दो, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अब ये बहुत कंफर्टेबली बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब आप वो लॉजिक ना लगाओ कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग इसको इनटू टू करो, अब आप ये ज्यादा देखो बेटा थोड़ी कॉमन सेंस भी आपको अप्लाई करने की, कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, हालांकि ज्यादातर केसेस में ये लॉजिक एप्लीकेबल है जो मैंने अभी आपको करके बताया, लेकिन यहां पे ये अप्लाई नहीं हो पा रहा था बिकॉज बीच में, हालांकि हो सकता था लेकिन उसमें फिर से एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता, तो हमारा टारगेट है यहां पे सिंप्लीफिकेशन, कॉम्प्लेक्स नहीं करना इसको। अब देखिए बेटा, अब आपको वैसे रिजोल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली देखिए पॉइंट ए और बी के अक्रॉस, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ए और बी के अक्रॉस नीचे वाले पाथ पे एक रेजिस्टेंस है आर स्मॉल आर, यहां से एक पाथ ये निकला, इस पाथ पे ये आर और ये आर सीरीज में है तो यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गई 2R। ओके, अब यहां से एक रेजिस्टर ये आ रहा है आर, तो ए से एक रेजिस्टर आर हम यहां पे कनेक्ट करेंगे आर,
ये आ गया ये वाला आर, फिर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, और यहां मान लो इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं मैं सी एंड डी, तो ये पॉइंट आ गया सी, और वैसे यहां पर एक पॉइंट होगा डी, यहां पर एक रेजिस्टर ये है आर और एक रेजिस्टर ये दोनों आ गए। अब इसके ऊपर देखो सी और डी के क्रॉस दो, ये और ये पैरेलल में हुए कि नहीं, तो सी और डी के अक्रॉस पैरेलल में आप दो रेजिस्टर्स ड्रॉ करो, ऊपर आ गया आर और नीचे ये आर और ये आर सीरीज में, क्योंकि ये जंक्शन नहीं है, यहां से करंट इधर फ्लो कर रहा और यहां से करंट इधर फ्लो कर रहा, और अगर आपको डायग्राम में ना दिख रहा हो इस तरह से, ठीक है, तो नीचे वाले पाथ पे आ गया फिर से कितना 2R, 2R। क्या अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन कर पाएंगे? देखिए जरा, सिंपल हो गया कि नहीं, यस या नो? यस बेटा, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। हाँ, मुश्किल उनको लग रहा होगा जिन्होंने अभी तक, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसे ऐसे वाली वायर कीड़े बराबर, मतलब जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, जिन्होंने अभी तक सीरीज पैरेलल के बेसिक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, उनके लिए तो मुश्किल रहेगा, पर जो बेसिक कर चुके हैं उनको ये आराम से समझ आ रहा होगा। देखिए, यहां पर ये आर और ये टू आर पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट अगर मैं इसको नाम दूं आर पैरेलल, तो आर पैरेलल इज आर इंटू टू आर अपॉन आर प्लस टू आर, यस आर नो? सो इट कम्स आउट टू बी 2/3 स्मॉल आर। तो इन दोनों की जगह हम एक ही रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 2/3 स्मॉल आर। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया 2/3 स्मॉल आर। अब देखो ये आर, ये 2/3 स्मॉल आर और ये आर, तीनों सीरीज में आ गए, तो इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट, तो आर सीरीज क्या होना चाहिए, दैट इज स्मॉल आर प्लस 2/3 आर प्लस ये वाला आर, ठीक है? तो 3 × 2 = 6, ये 2R हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 प्लस 2, 8/3R। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 8/3R। अब जरा इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टर अगर मैं कनेक्ट करूं, मैं यहीं पे डायग्राम में, क्योंकि इन तीनों का, इसका और ये, इन सब का इक्विवेलेंट मैं डिटरमिन कर चुका हूं, तो इन तीनों की जगह अगर मैं एक ही रेजिस्टर यहां पे कनेक्ट कर दूं, दैट इज 8/3R। तो अब फाइनली जो रेजिस्टेंस है ए और बी के क्रॉस, अब तीनों पैरेलल में है, 1/r ए बी लिख देता हूं, या आर पैरेलल डैश, क्योंकि आर पैरेलल ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं, सो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ दिस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब 3/8R प्लस 1/2R प्लस 1/r। अब एलसीएम तो 8R ही आएगा, 3 प्लस 2R इंटू 4, 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, so it comes out to be 15/8R, 15/8R, but ये तो 1/RAB है, तो अगर आपको RAB चाहिए हो, तो वो क्या हो जाना चाहिए, that must be equal to 8/15 times R, ठीक है? I hope ये चीज क्लियर हुई होगी। सो मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग का ये लॉजिक तो हर जगह एप्लीकेबल है, बट मिरर में ये ध्यान देना, ये करंट इज सेम इन मिरर इमेजेस। अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है, शॉर्टकट में सबसे कम वर्ड्स में, तो यहां करंट इज सेम इन कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेज, यहां पोटेंशियल इज सेम एट कॉन्जुगेट पॉइंट्स, वहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे पोटेंशियल सेम था, तो यहां पे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे पोटेंशियल नो डाउट सेम ही था, ठीक है? आई होप अब आप ये कर पाएंगे। चलिए ये नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हां जी बेटा, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5, 6 एंड 7। अगेन इनको सिमेट्री कंसिडरेशन अप्लाई करते हुए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है तीनों सर्किट्स की अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जैसे ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अभी पिछले पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व की थी, वो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया विदाउट यूजिंग सिमेट्री कंसिडरेशंस, बट आज हम प्रैक्टिस किसकी कर रही है, सिमेट्री कंसिडरेशंस की। अभी तक ये जितने डायग्राम्स मैं बना रहा हूं बेटा, ये 2D डायग्राम्स हैं, ये प्लेन के अंदर बन, वैसे 3D डायग्राम्स पे भी सिमेट्री कंसिडरेशंस एप्लीकेबल है, क्यूब वाली प्रॉब्लम्स पे भी सिमेट्री कंसिडरेशंस एप्लीकेबल है, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे 3D स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास रेजिस्टेंसेस के, और उनके केस में हम सिमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं, फिलहाल आज हम 2D वाले। चलिए
सबसे पहले आते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर 5 पे। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है स्मॉल आर ईच। वी आर सपोज टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी। बताइए यहां पे कौन सी सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करेंगे या फिर मिरर सिमेट्री अप्लाई करेंगे? सोचिए सोचिए, जब तक मैं अपने डायग्राम को रेक्टिफाई कर रहा हूं तब तक आप सोचिए कि यहां पर आप कौन सी सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। यहां दोनों सिमेट्री एप्लीकेबल है, और हम एक काम करते हैं, हम दोनों सिमेट्रीज के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा हम अप्लाई करते हैं मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री के केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, देखिए जरा, यस और नो? लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं कि नहीं? ये इसको ओवरलैप करेगा, ये दोनों r बाय टू हो गए, ओवरलैप करेंगे, ये r इसको, ये इसको ओवरलैप करेगा, ये इसको, तो सभी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अब इस केस में आपको बताया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई रेजिस्टर लाई करो तो उसको एलिमिनेट कर दो। अब यहां पे तो है ही नहीं कोई, तो क्या करें? अगर पोटेंशियल्स को सेम कंसिडर करके इनको ज्वाइन कर भी दूं तब भी प्रॉब्लम रहेगी, तब भी इस पार्ट में सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो एक लॉजिक जो सबसे ज्यादा कॉम का है मिरर सिमेट्री में वो है करंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए यहां से करंट आई आया है, तो ये आई करंट दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आई वन एंड आई टू, राइट? अब अगर इस रेजिस्टर से करंट आई वन है तो पक्की बात है इसकी मिरर इमेज कौन सी है? ये। तो यहां से करंट आई वन होना चाहिए, इसकी मिरर इमेज क्या है? ये आई टू। तो यहां पर भी करंट आई टू होना चाहिए, यस और नो? जितना करंट इससे फ्लो करेगा उतना ही करंट इससे फ्लो करेगा, जितना करंट, ये तो है ही, खैर पाथ एक है। एनीवे यहां से करंट आई वन गया, अगर इसमें से कुछ हिस्सा यहां आ जाता, अगर इसमें से कुछ हिस्सा यहां आ जाता तो क्या यहां पे आगे करंट आई वन हो पाता? कहीं को लग रहा होगा सर ठीक है उतना ही करंट नीचे आ जाएगा फिर नीचे से ऊपर चला जाएगा। भाई सिमेट्री यही तो अप्लाई करनी है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, क्यों ऊपर से नीचे जाएगा? अभी जैसे मैं बता रहा था आपको वो रे ऑफ लाइट के केस में, भाई इधर क्यों नहीं बेंड होगी, इधर क्यों बेंड होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो स्ट्रेट जाएगी। सिमिलरली ये नीचे क्यों फ्लो करेगा करंट, ये बताइए, नहीं कर सकता। दूसरा तरीका देखने का है, इस सर्किट के पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में एक रेजिस्टेंस आर क्रॉस करके आप यहां पहुंच रहे, दूसरा रेजिस्टेंस आर क्रॉस करके यहां, तो पक्की बात है इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा, जब पोटेंशियल बराबर होगा तो बीच में करंट क्यों फ्लो करेगा, ठीक है? So, जो भी करंट आर जा रहा है यहां से वो सीधा, सॉरी करंट आई वन आ रहा है वो आई वन इधर फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करता हुआ यहां आ जाएगा सीधा, और ये जो आई टू है वो डायरेक्ट यहां से इधर फ्लो करता हुआ यहां, क्योंकि सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल है। अगर रेजिस्टेंसेज अलग अलग होती तो हम फिर भी सोच सकते थे करंट कि जंक्शन, इस जंक्शन पे ऊपर से नीचे या कुछ नीचे से ऊपर करंट जाए, बट ऐसा है ही नहीं, पूरे सिमेट्रिक पाथ है, तो यहां से यहां कोई करंट फ्लो करने के चांसेस नहीं। इनफैक्ट आई वन आई टू भी बराबर होंगे, बट चलिए अभी हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, हमने मान लिया I1 I2 है, इसमें से I1 है तो इसमें से भी I1 होगा, इसमें से I2 है तो इसमें से भी I2 होगा। जो मिरर इमेज या कॉन्जुगेट रेजिस्टेंसेज है अभी अभी लॉजिक बताया था, वैसे यहां तो है ही एक पाथ, तो टोटल करंट ही ये सारा का सारा यहां से, तो अगर ये सारा करंट वहां से फ्लो करेगा तो क्या हम इन दो रेजिस्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं इस सर्किट में? देखिए जरा, यस और नो? एलिमिनेट कर पाएंगे ना। दूसरा एक लॉजिक और भी है बेटा, मैंने ये भी कहा था कि इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है अगर ये सारा करंट इधर जाएगा ये सारा इधर जाएगा, बीच में कोई करंट ना हो, क्योंकि रेजिस्टर्स एक जैसे, इस पाथ पे एक जैसे रेजिस्टेंस है, इस पाथ पे एक जैसे, तो करंट भी सेम होंगे और सीधा यहीं से फ्लो करेंगे। चलो एनीवे, अभी ऊपर वाले पाथ पे कितनी रेजिस्टेंस आ गई, तीनों सीरीज में है 3R, नीचे वाले पाथ पे तीनों सीरीज में है 3R, 3R और 3R पैरेलल में हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना होना चाहिए? 3R एंड 3R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 3R बाय 2, इजंट इट? आई होप ये समझ आया होगा। तो कौन सी सिमेट्री हमने अप्लाई की बेटा? अभी हमने सिमेट्री अप्लाई की मिरर सिमेट्री। चलिए जरा थोड़ा वापस चलते हैं फिर से, अगर हम मिरर सिमेट्री यहां ना अप्लाई करें तो क्या यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री एप्लीकेबल थी? देखो जरा और चेक करो कि क्या फोल्डिंग सिमेट्री से भी सेम सॉल्यूशन निकल के आता है कि नहीं आता है। अभी तक हमने अप्लाई की मिरर सिमेट्री, बट अब हम ट्राई करने जा रहे हैं इसको
फोल्डिंग सिमेट्री से, तो अब ये करंट की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मैं सब चीजें मिटा रहा हूं, वापस इस सर्किट को वैसा बना देते हैं जैसा ये इनिशियली था। एक रेजिस्टर आर यहां पर है, एक रेजिस्टर आर यहां पर है, राइट। अगर मुझे फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करनी है तो एक्सिस कहां से पास करना चाहिए? इन दोनों पॉइंट से, ए और बी से, यस और नो? और फिर आपसे क्या कहा था, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, फोल्डिंग सिमेट्री है तो पक्की बात है इनके बीच के रेजिस्टर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का फोल्डिंग सिमेट्री में बोला था कॉन्जुगेट पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, कॉन्जुगेट जो मिरर इमेज में इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, इस पॉइंट कि अगर आप फोल्ड करो तो ये पॉइंट इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये पॉइंट इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो जो ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम होगा। तो फोल्डिंग सिमेट्री ये भी कहती है भाई इस सर्किट को फोल्ड करके फिर रेजिस्टेंस डिटरमिन करो। तो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं ऊपर तो ये सर्किट किस तरह का बनेगा जरा देखते हैं। पॉइंट ए से ये ऊपर वाला पार्ट यहां तक ये एक रेजिस्टर आ गया स्मॉल आर, ये दूसरा रेजिस्टर आ गया स्मॉल आर, और ये तीसरा रेजिस्टर आ गया स्मॉल आर, और यहां पहुंचा पॉइंट बी। तो वैसे तो हमने पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम है तो इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट करेंगे तो बाकी पार्ट वैसा ही हो जाएगा जैसा मैंने ऑलरेडी अभी पिछले पार्ट में करके दिखाया आपको, जहां मैंने मिरर सिमेट्री यूज की थी। एनीवे, अगर मैं फोल्डिंग सिमेट्री यूज करूं तो यहां पर ये आधा रेजिस्टर R बाय 2 होगा, ये आधा R बाय 2 होगा। अब नीचे से सर्किट फोल्ड हो गया, इन दोनों के एंड्स फ्री हो गए, एंड्स फ्री हो गए तो यहां करंट नहीं फ्लो करेगा, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं इस लॉजिक से भी। नीचे वाले एंड फ्री हो गए तो करंट कहां जाएगा? नहीं जा सकता कहीं पे भी, इसका मतलब वहां करंट फ्लो ही नहीं करेगा। चलिए अब आपने क्या करना है, या तो इसकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट डिटरमिन करके बाद में डिवाइड बाय 2 कर दो, एक ऑप्शन ये है, या इसके साथ अगर ये यहां पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो R और R पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा R बाय 2। दूसरा लॉजिक आपको बताया था, हर रेजिस्टेंस को हाफ कर दीजिए, हर एक को हाफ कर दो, फिर उनका इक्विवेलेंट डिटरमिन करो। देखो तीनों सीरीज में है, R बाय 2 R बाय 2 R बाय 2 तीनों को ऐड करोगे तो 3R बाय 2 आना चाहिए कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों सिमेट्री अप्लाई करके देखी, फोल्डिंग सिमेट्री भी अप्लाई की और मिरर सिमेट्री भी, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी मैं जानता हूँ लंबा वीडियो आपको देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बिजी है ना आप लोगों को, और काम बहुत ज़्यादा करने होते हैं, फिजिक्स के लिए टाइम थोड़ा कम निकालते हैं मैं जानता हूँ, तो वीडियो लंबा तो होगा बेटा अगर कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट अच्छे से समझिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना इसको। अब इस सर्किट पे आते हैं, हो सके तो खुद आप इसको अटेम्प्ट करो, मैं नहीं कहता हूं कि सिंगल गो में सारा वीडियो देखो, इसके आगे के क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं इसको आप पहले अटेम्प्ट करके देखो, नहीं निकलता फिर ये वीडियो देखो, या पहले खुद अटेम्प्ट करो फिर क्रॉस चेक करो वीडियो देख के, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए इस केस में बेटा अगेन दोनों सिमेट्री एप्लीकेबल होंगी, पहली सिमेट्री है मिरर सिमेट्री, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो मिरर सिमेट्री अप्लाई करो, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, एक चीज तो ये है। एज ए रिजल्ट इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करने वाले जो रेजिस्टेंसेस हैं हम उनको क्या कर देते हैं, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, याद आ गया? मिरर सिमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करने वाले पॉइंट्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखो भाई ये भी पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए ही है, ये ए से कनेक्टेड है, ये भी पॉइंट ए है, ये बी है तो ये भी बी है और ये भी बी है, isn't it? अब आप ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी के क्रॉस 2R, ये 2R, और इस पॉइंट को अगर मैं O लिख दूं तो अब आप इस सर्किट को, मैं तीन चार अलग अलग तरीके बता दूंगा बेटा, अगर आप सिर्फ इतना काम कर पाते हो तो यहां पे सर्किट ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है। देखो ये आ गया पॉइंट ए, ये बीच में आ गया पॉइंट ओ और ये आ गया पॉइंट बी। सबसे पहले ए और बी के क्रॉस, ये ए और बी के क्रॉस ऊपर से चलो, ये ए और बी के क्रॉस 2R, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है 2R, फिर ए और ओ के बीच में एक आर ये है और एक आर ये है, ए और ओ के बीच में स्मॉल आर, ये वाला आर, ये भी ए और ओ और ये पॉइंट भी ए है, इसका पोटेंशियल भी ए है, तो यहां पर भी ये आ गया स्मॉल आर, ठीक है। सिमिलरली ओ और बी के बीच में ये दो स्मॉल आर कनेक्टेड हैं, स्मॉल आर,
स्मॉल आर। फिर नीचे इस पाथ पे देखो, ए और बी के बीच में एक और टू आर कनेक्टेड है। क्या अब आप इसका इक्विवेलेंट डिटरमिन कर सकते हैं? यस या नो, सोचिए जरा, देखिए इसको अच्छे से। विल यू बी एबल टू डिटरमिन दिस? बहुत आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करने वाले रेजिस्टेंसेस को एलिमिनेट किया तो सर्किट हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब अगर आप देखो ये R और R पैरेलल में ये मिलके कितना बन जाएंगे, पैरेलल में ये R बाय टू हो जाएगा, ये भी पैरेलल में R बाय टू, और R बाय टू दोनों सीरीज में हुए तो मिलके फिर से कितना हो गया R। मतलब सेंटर वाले पाथ पे इन चारों को अगर मैं हटा के एक ही रजिस्टर कनेक्ट कर दूं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, R। अब 2R और R पैरेलल में, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B क्या होनी चाहिए, 1/2R + 1/R + 1/2R, isn't it? LCM तो हो गया 2R, ये आ जाएगा 1+2+1, दैट इज 4/2R, यानी कि ये, दैट मीन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज स्मॉल आर बाय टू, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? सिर्फ क्या किया, मिरर सिमेट्री देखी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करने वाले रेजिस्टर्स को एलिमिनेट किया, अपने आप ये सर्किट सिंपल हो गया। अब फिर से देखो, दोबारा मिरर सिमेट्री को ही अप्लाई करता हूं, फिर से ये रेजिस्टर वापस लगा दिया, ये वापस लगा दिया। अब दूसरा तरीका, अब मैंने बोला था सिमेट्रिक जो भी यहां से करंट आएगा, मान लीजिए ये करंट यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिस करंट इज आई वन, दिस करंट इज आई टू, टोटल करंट इज लेट अस से आई, तो पक्की बात है इसकी मिरर इमेज ये ब्रांच है, तो यहां से भी करंट आई वन वापिस आ रहा होगा और ये यहां से आई टू वापिस आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, वैसे हम चाहते तो इसके आगे भी यहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते थे, बजाय इसके ज्यादा सिंपल रहता, यहां आई वन आई टू नाम, चलो ये आई वन आई टू दे चुके हैं, तो यहां पर देखो बेटा, मान लो ये आ गया आई थ्री, ये आ गया आई फोर, तो आई वन डिस्ट्रीब्यूट हो गया आई थ्री और आई फोर में। अब इसमें आई थ्री है तो इसकी मिरर इमेज ये है, तो इसमें आई थ्री होना ही चाहिए, इसमें आई फोर है तो इसकी मिरर इमेज ये, इसमें आई फोर होगा। सपोज आई टू डिस्ट्रीब्यूट हुआ आई फाइव एंड आई सिक्स में, इसकी मिरर इमेज इसमें आई सिक्स, इसकी मिरर इमेज इसमें आई फाइव, तो इसका मतलब ये आई थ्री यहां गया और यहां से इधर फ्लो कर गया, ये आई फोर यहां से इधर चला गया, तो बीच में तो करंट गया ही नहीं, तो उस लॉजिक के बेसिस पे भी इसे रेजिस्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये आई फाइव यहां आया और यहां से इधर आ गया, आई सिक्स यहां से इधर आ गया, इसका मतलब बीच में कोई करंट गया ही नहीं, यस और नो? और तो और एक चीज और समझ आ रही है भाई, आई फाइव इधर से इधर आ गया, आई फोर इधर से इधर आ गया, तो ये जंक्शन भी फालतू में दे रखा है, तो इस जंक्शन को भी आप एलिमिनेट कर दो, डायरेक्ट यहां से इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो, ऊपर वाले पाथ से आई फोर चला गया, नीचे वाले पाथ से आई फाइव चला गया। क्या अब आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? अब आप देखो, ये दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल, वैसे ये दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल, और फिर ये आपस में पैरेलल में है। देखा जाए तो 2R, 2R, 2R और 2R, चार बार 2R आपस में पैरेलल में, 2R रेजिस्टेंसेस कितनी बार, चार 2R रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए, क्योंकि हर एक ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 2R, 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 सभी ए और बी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो 2R बाय 4 करोगे तो फिर से R बाय 2 आना चाहिए कि नहीं। अब ये दूसरा लॉजिक आ गया, यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो ये भी पता चला ये जंक्शन ऐसे ही फेक है। अक्सर मिरर सिमेट्री अप्लाई करते हो बीच में कुछ जंक्शंस आपको ऐसे ही दिख जाते हैं, फेक जंक्शंस, उसकी हेल्प से आप बड़े आराम से ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके बहुत आराम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन कर पाएंगे, राइट? ये बात समझ आई? एक लॉजिक और भी था यहां पे कि अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कर दूं, अब फिर वापस सर्किट को वैसे लेके जाता हूं, बेटा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन ये टाइम इस पे लगा दोगे इस वीडियो पे तो बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। अब ये पॉइंट है ओ, यहां पर एक रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है, इनका पोटेंशियल सेम है, तो इन रेजिस्टर्स को तो हम फिर से एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, लेट अस से दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ओ। सी और डी का पोटेंशियल सेम है, क्या बोला था, मिरर सिमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करने वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो सेम होने वाला है। तो फिर से आप एक तरीका आपके पास ये है, ये पॉइंट ए यहां पे मार्क करें, पॉइंट बी यहां पे मार्क करें और बीच में एक पॉइंट मार्क करें सी ओ डी।
सी भी यही है, ओ भी यही है और डी भी यही है। अब देखो ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, एक ऊपर ये वाला आर, ये दूसरा आर, ये तीसरा आर, ये चौथा आर, तो चार आर, चारों आर कहां पे हैं, ए और सी के क्रॉस। मतलब कोई ए और सी के क्रॉस है, कोई ए ओ के क्रॉस है, कोई ए और डी, सी ओ और डी तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो अब आप यहां पर इस तरह से चार रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, चारों की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर ईच, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, तो चारों का इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो जाएगा, आर बाय फोर। और ऐसा ही एक चार रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट यहां पे होगा आर बाय फोर, और आर बाय फोर और आर बाय फोर कैसे सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनको एड अप कर दो आर बाय फोर और आर बाय फोर को, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये भी आर बाय फोर, आर बाय फोर, आर बाय फोर को सीरीज में लो तो मिला के फिर से कितना हो जाना चाहिए, आर बाय टू होगा कि नहीं। देखो तीन चार अलग अलग तरीके से मिरर सिमेट्री ही अप्लाई की, उसके बाद भी तीन चार अलग अलग तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन चारों तरीके बिल्कुल सिंपल थे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले रजिस्टर्स को एलिमिनेट कर दो, करंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से कई बार कुछ जंक्शन फेक हो जाते हैं, जंक्शन हटा दो तब सर्किट सिंपल हो जाता है, नहीं तो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कर दो सर्किट तब भी सिंपल हो जाता है, नहीं तो और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। ये भी कहा था ऐसी सिचुएशन में आप एक ही हिस्सा ड्रॉ करो, हर रेजिस्टेंस को डबल कर दो, यहाँ पे 2R 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 कर देते हैं, या एक ही हिस्से की रेजिस्टेंस डिटरमिन करके इनटू 2 कर लो, तो सारे लॉजिक एप्लीकेबल हैं कि नहीं। ओके चलिए अब आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया था, शायद वो शॉर्ट वीडियो जो ग्रुप में भेजा था उसमें, यहां मैंने बिना सिमेट्री कंसिडरेशंस के ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अरे हाँ यही जो पिछला क्वेश्चन था, चलिए मैंने मिरर सिमेट्री अप्लाई की, आप इसी क्वेश्चन पे जरा फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। करेंगे आप फोल्डिंग सिमेट्री से इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं अगर फोल्डिंग सिमेट्री से भी अगर अप्लाई करूं, कर पाएंगे ना, अरे बोला तो करो। चलो यार करके दिखाता हूं आपको, ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी जिनके क्रॉस हमें रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है। तो देखो बेटा अगर यहां पे आप फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करते हो तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा हमारा, अरे गड़बड़ होगी, ये यहां से पास कराते हैं, ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्से दोनों सिमेट्रिक हैं, जरा ध्यान से देखो है कि नहीं, यस और नो, दे आर सिमेट्रिक इजंट इट। तो क्या बोला था, हर कॉन्जुगेट पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, इसका और इसका सेम होगा, तो नीचे वाले हिस्से को हटा दो, सिर्फ एक हिस्सा ड्रॉ करो ऊपर वाला, ये फोल्डिंग सिमेट्री है, एक हिस्से को ड्रॉ करो और उस एक हिस्से में नीचे वाले हिस्से को मान लो मैं रब कर देता हूं, इसको मैंने कर दिया रब, ठीक है, या तो ऊपर वाले हिस्से में हर एक की रेजिस्टेंस को आर बाय टू लिखो, हाफ कर दो, आर बाय टू, R by 2, R by 2 और R by 2 कर दो, एक ऑप्शन ये था, या ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल के फिर उसका हाफ कर दो, R by 2 मत लिखो, सीधा हाफ कर दो। और यहां पे जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट इनका पोटेंशियल सेम आ रहा था, जब पोटेंशियल सेम होगा तो बीच में रजिस्टर कनेक्ट करने का मतलब ही नहीं बनता। अब देखो R by 2 और R by 2 कितना हो गया R, R by 2 और R by 2 कितना हो गया R, R और R पैरेलल में तो फिर से कितना निकल आएगा R by 2, दिस इज फोल्डिंग सिमेट्री, राइट चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन पे फोल्डिंग सिमेट्री तो एप्लीकेबल नहीं है, हमें ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहां पे एक ही सिमेट्री एप्लीकेबल है, दैट इज मिरर सिमेट्री। इसके अबाउट अगर ए से कुछ करंट एंटर करता है तो ये करंट अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट हर एक कॉन्जुगेट रजिस्टर में करंट बराबर जाएगा, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए। तो चलिए जरा देखते हैं, कुछ करंट यहां गया, जो करंट यहां गया मान लो ये करंट है x, ये x करंट इधर से फ्लो करता हुआ यहां आएगा, वैसे तो ये सर्किट बिल्कुल ही सिंपल था, एक्चुअली ये दोनों पैरेलल में, आप चाहो तो इनकी जगह इनका पैरेलल इक्विवेलेंट r बाय टू लिख सकते हो, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट r बाय टू लिख सकते हो, क्योंकि दोनों पैरेलल में ये पॉइंट्स, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आगे क्वेश्चन और कंसिडर करूंगा जहां इनके बीच में भी हम रेजिस्टेंस लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां से कुछ करंट फ्लो करता हुआ यहां आया, इसमें से मान लो ये इसमें से इस पाथ पे चला गया y और इस पाथ पे आ गया z, ये z तो इधर आ गया, ये जो y करंट है
ये सीधा यहां से इधर फ्लो करना चाहिए। सिमेट्री हमें ये भी बताती है कि अगर ये करंट एक्स है तो पक्की बात है ये करंट भी एक्स होगा, दोनों को एक जैसी रेजिस्टेंस एनकाउंटर करनी है यहां जाने में। तो सिमेट्री हमें ये भी बता रही है कि इस अगर इस पे करंट एक्स है तो इस पे भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों का पाथ एक जैसा है, सिमेट्री का, सिर्फ इन दो पाथ पे करंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे वैसे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं लाई कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में, हाँ बेटा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, क्योंकि यहां पे भी करंट एक्स आएगा, यहां पे भी एक्स आ गया, तो ये भी एक्स आ गया, ये करंट वाई है तो ये भी वाई होगा, क्योंकि इस पाथ में दोनों की रेजिस्टेंस एक जैसी है, ये पाथ एक जैसे थे दोनों, और इसलिए अब आप क्या कर सकते हो, क्या बात वही आ गई बेटा, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, वो हमें डायरेक्टली भी पता था, ये आर बाय टू है, ये आर बाय टू है, आर बाय टू सीरीज में मिलकर कितना हो गया आर, ऊपर वाले पाथ की रेजिस्टेंस होगी आर, अब वो आर, ये आर और ये आर, तीनों आर पैरेलल में है, तो ओवरऑल कितना हो जाना चाहिए आर बाय थ्री, इजंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हाँ अक्षत, आपका भी डाउट है पेंडिंग, मैं अभी उसी पे आ रहा हूं, ठीक है। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 और 9, और ये प्रॉब्लम्स आप ही की क्लास के एक स्टूडेंट ने भेजी हैं, अक्षत ने मेरे पास, तो अक्षत बेटा ये आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया सॉल्यूशन देने में, क्योंकि मैंने सोचा शॉर्ट वीडियो बनाने के बजाय मैं सबके लिए एक वीडियो बना देता हूं, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन, तो ये फाइनल दो प्रॉब्लम्स, तो अक्षत आपके लिए स्पेशली। चलिए बेटा, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे इतना ग्रो करेंगे, प्रॉब्लम नहीं आ रही तो ग्रो नहीं कर रहे, गड़बड़ा, तब तक पड़ी है जब तक प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आए तो ट्रांसफर करो, जैसा कि अक्षत ने किया। चलिए तो यहां पे अक्षत आपके क्वेश्चन में आपने इन दो पॉइंट्स को ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है, तो हम सिमेट्री कंसिडरेशन से यहां पे भी डिटरमिन करेंगे, और मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा एक दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट, या इस पॉइंट और इस पॉइंट, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस डिटरमिन करनी हो तो कैसे करें, अगर मैं एक केस भी करता हूं, बाकी आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बेटा यहां पे हम देखते हैं कौन सी सिमेट्री एप्लीकेबल है, क्या फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करें या मिरर सिमेट्री अप्लाई करें, जरा सोच के बताइए मुझे, ध्यान से अच्छे से सोच के बताइए, Isn't this an axis of symmetry? क्या ये axis of symmetry है? Yes or no? Yes, this is axis of symmetry. तो कौन सी symmetry apply करने जा रहे हैं? क्या हम mirror symmetry apply कर रहे हैं या folding symmetry? बहुत सारे लोग कह रहे होंगे mirror, नहीं बेटा ये folding symmetry है। अभी तक mirror symmetry के केस में बाकी जितने भी मैंने cases लिए तो axis of symmetry vertical था। अभी axis of symmetry vertical है, but this is a case of folding symmetry. क्योंकि उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्ड नहीं मैंने यूज किए थे। मैंने क्या बताया था, जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है, अगर उन दो पॉइंट से पास करने वाला एक्सिस है तो फोल्डिंग, और अगर उसके परपेंडिकुलर है तो उसको हमने बोला था मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री को इसलिए हमने परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कहा था, और फोल्डिंग को पैरेलल। तो देखिए इन दो पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन्हीं दो पॉइंट से पास कर रहा है हमारा, यस और नो? So, axis of symmetry नहीं दो पॉइंट से पास कर, तो ये सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, फोल्डिंग सिमेट्री। अगर ये फोल्डिंग सिमेट्री है तो पक्की बात है कॉन्जुगेट पॉइंट्स का पोटेंशियल, मिरर सिमेट्री में हम कहते थे कॉन्जुगेट रेजिस्टर्स में करंट सेम होगा, यहां हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए कि नहीं। सपोज इसका पोटेंशियल है V1, तो इसका पोटेंशियल भी V1 होगा, इस पॉइंट का कॉन्जुगेट ये है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, मैंने दोनों का नाम दे दिया V2। चलिए अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या बताइए इसके बीच में करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टर हो या ना हो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो अब आप इस रेजिस्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं सर्किट से, इन दो रेजिस्टेंसेस को। अब जरा चेक करके देखिए, अब ये सर्किट बहुत सिंपल हो चुका है। आप देखिए किसी एक साइड से, ए से अगर मैं करंट यहां से एंटर करवाता हूं तो करंट लीव कहां से करेगा, बी से। अब ए से जैसे ही करंट एंटर किया तो करंट को कितने अलग अलग पाथ मिल रहे हैं, एक पाथ ये मिल रहा है, करंट I1 यहां से फ्लो कर रहा है, करंट I2 यहां से फ्लो कर रहा है, करंट I3। ये नहीं सोचना कि मिरर सिमेट्री अप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड पर सेम होगा या नहीं होगा, उसको छोड़िए।
अब ये जो I2 है, क्योंकि यहां तो करंट आएगा नहीं, यहां से फ्लो करता हुआ इधर से फ्लो करता हो, तो एक ही पाथ पे जो रेजिस्टर्स हों वो आपस में सीरीज में होते हैं, तो इन तीनों, ये तीनों सीरीज में होंगे, इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट 3R। सिमिलरली ये I3 यहां से फ्लो करता हुआ यहां आ गया, तो ये तीनों सीरीज में, तो ये कितना हो गया 3R। अब एक 3R यहां पे है, एक 3R यहां पे और एक R यहां पे, ये तीनों पैरेलल में हुए कि नहीं A और B के क्रॉस। करंट तीन हिस्सों में बटा, जहां करंट अलग अलग पाथ पे बाइफर्केट हो, पक्की बात है वो पाथ कैसे होते हैं, पैरेलल में। ये तीनों ये एक ही पाथ पे आ रहे हैं, तो पक्की बात है ये तीनों सीरीज में 3R, ये तीनों एक ही पाथ पे हैं, सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R। अब 3R, 3R और स्मॉल R, ये तीनों A और B के क्रॉस कनेक्टेड हैं, तो तीनों पैरेलल में होंगे। सो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/3R प्लस बीच वाला 1/R प्लस 1/3R। तो ये हो जाएगा बेटा LCM, तो 3R आ गया, 1 + 3 + 1 That is 5/3R. That means R parallel should be equal to 3/5 r. ठीक है, R parallel मतलब this is R across A and B. Right? I hope ये clear हो गया होगा। इसी में अगर इसी circuit में मान लीजिए आपको resistance की नहीं और दो points के across determine करनी होती, तो आप कैसे कर सकते हैं? यहां तो ये दो पॉइंट्स थे, अगर इनके सिवाय और दो पॉइंट्स हो, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी। अब बताइए कौन सी सिमेट्री एप्लीकेबल है, क्या फोल्डिंग सिमेट्री एप्लीकेबल होगी? नो। इस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट तो कोई सिमेट्री नहीं हमें दिख रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे मिरर सिमेट्री। इस एक्सिस के अबाउट दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो, बिल्कुल एक जैसी आ रही है। सो और दूसरी चीज हमने कहा था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई रेजिस्टर लाई करता है मिरर सिमेट्री में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, अगर वहां पे कोई रेजिस्टर लाई करता तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे मैंने इस रेजिस्टर को एलिमिनेट किया, अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये सर्किट ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है, ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है, कुछ नया काम करने की जरूरत नहीं है, करंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप दिखा सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट ये है, जो करंट यहां होगा वो यहां होगा, जो करंट यहां है वो यहां होगा, ये सब चीजें आप दिखा सकते हैं, बट यहां फायदा नहीं रहेगा उसका, उसके बिना आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, ये इन दोनों को अगर मैं हटा दूं, इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर कनेक्ट कर दूं 2R, चलेगा क्योंकि दोनों सीरीज में थे। ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं हम 2R, राइट? अब ये R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। क्या अब आप इक्विवेलेंट डिटरमिन कर पाएंगे? 2R और R का इक्विवेलेंट 2R × R / 2R + R, तो वो आ जाता है 2/3R। तो इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह एक ही 2/3R कनेक्ट कर सकते हैं, 2/3R। अब ये 2/3R और R और R ये सीरीज में है, तो इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट R सीरीज क्या आना चाहिए? दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2/3R प्लस R प्लस R, तो ये आ जाएगा 8/3R, isn't it? अब ये 8/3 2R और R पैरेलल में हुए, तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 3/8R प्लस 1/2R प्लस 1/R। LCM 8R आ रहा है, तो देखो जरा यहां से 3 + 4 + 8, तो ये आ जाएगा 15/8 स्मॉल r, या फिर r पैरेलल इज इक्वल टू 8/15R। तो अगर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस डिटरमिन करोगे तो वो 8/15R आ रहा है। इस केस में हमें अप्लाई करनी पड़ी मिरर सिमेट्री, ठीक है? पिछले केस में जैसा अक्षत आपने क्वेश्चन भेजा था उसके अकॉर्डिंग वहां अप्लाई करनी पड़ रही थी हमें फोल्डिंग सिमेट्री, राइट? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैं रब कर देता हूं, हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास का। इनफैक्ट ये 9th हो गया, ये तो 10th हो जाना चाहिए, बट चलिए, नंबर डजंट मैटर। इतने क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से देख चुके हैं, अब आप सिमेट्री कंसिडरेशंस अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे किसी भी तरह के क्वेश्चन में, राइट? तो चलिए जरा अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा, ये आपके सामने एक नेटवर्क बनाया हुआ है,
हर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस अगेन स्मॉल आर ईच, यू आर सपोज टू डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी। अब इस सर्किट पे आप कौन सी सिमेट्री अप्लाई करेंगे, मिरर या फोल्डिंग, तो बेटा दोनों एप्लीकेबल है। मिरर सिमेट्री, अगर यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कराऊं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है, आइडेंटिकल है। लाइन ज्वाइनिंग ए बी के परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर सिमेट्री मतलब मिरर सिमेट्री। या फोल्डिंग सिमेट्री, ए और बी से पास करने वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं तो भी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सिमेट्रिक है। तो यहां मिरर और फोल्डिंग दोनों सिमेट्री एप्लीकेबल है। चलिए दोनों सिमेट्री से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब क्विकली देखते हैं बेटा, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो तो बीच में कोई रेजिस्टर आए एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे तो उसको एलिमिनेट करते हैं। चलिए वो तो यहां कोई है ही नहीं तो छोड़िए। दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, जो मिरर इमेजेस हैं, जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, उनमें से करंट सेम होगा। सपोज इस रेजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल ए, तो पक्की बात है यहां से भी करंट कितना आना चाहिए, स्मॉल ए। सपोज ये स्मॉल ए यहां के डिस्ट्रीब्यूट हुआ बी एंड सी में, बी एंड सी में, तो ये इसका कॉन्जुगेट यहां पे, इस रेजिस्टर का कॉन्जुगेट ये है, तो पक्की बात है यहां पे भी करंट बी होगा और ये यहां से करंट कितना आना चाहिए, सी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये बी यहां से फ्लो करके यहां आ गया, यस और नो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बी अगर यहां से फ्लो करता हुआ यहां तक आया आपके पास, और सिमिलरली ये सी यहां से वापस इधर फ्लो करेगा, ये इधर से इधर फ्लो करेगा सी, फिर ये इधर से इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा, और इस तरह से। वैसे नीचे वाले पार्ट पर भी आप अलग वेरिएबल्स लेके डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसी होगी ऊपर और नीचे की। तो मैंने सिर्फ एक पार्ट ऊपर का शो किया। जब एक पार्ट शो किया तो अब आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप इस तरह से देख सकते हैं, भाई ये जो करंट बी है ये यहां से फ्लो करता हुआ इधर ही जा रहा है, नीचे आया ही, सी इधर से आया इधर फ्लो करता हुआ इधर आ गया, मतलब ये जो जंक्शंस हैं ये जंक्शंस हैं ही नहीं। आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, इसको यहां से इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, वैसे इसको भी जंक्शन हटा दो। इनफैक्ट आप इस जंक्शन, इस सर्किट को तोड़ के, वैसे फोल्डिंग सिमेट्री यहां पे ज्यादा बेटर थी, बट चलिए हम इसी से सॉल्व करते हैं। इस जंक्शन को भी हटा दो, ये जंक्शन भी हट गया, और इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट में भी होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले पाथ पे ये आर, ये आर, ये आर, ये आर एक ही पाथ पे हैं, तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस है ऊपर, 4R, और यहां देखो R, R, R एंड R, ये भी कितनी होगी 4R। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, मान लो इन पॉइंट्स को नाम देता हूं P एंड Q, तो इन दो पॉइंट्स P और Q के अक्रॉस एक रेजिस्टर ऊपर है 4R और एक नीचे है हमारे पास 4R, 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 हालांकि इनका इक्विवेलेंट भी मिलके कितना आ जाएगा 2R, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ठीक है। करंट की सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता चला इन जंक्शन पे कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा करंट का। जिस जंक्शन पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो आप उस जंक्शन को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, इन दोनों को अलग अलग पाथ बना दो, तो इस तरह करंट फ्लो करता हुआ गया। वैसे ही नीचे वालों में भी होगा, इन जंक्शन को भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से ए और पी के बीच में एक रेजिस्टर है, दिस इज पॉइंट ए, तो ए और पी के बीच में एक रेजिस्टर है स्मॉल आर। सिमिलरली क्यू और बी के बीच में एक रेजिस्टर है स्मॉल आर, ये आ गया पॉइंट बी, दिस इज स्मॉल आर। और बिल्कुल वैसा ही आइडेंटिकल सर्किट नीचे है, R, ये भी 4R, 4R और ये भी स्मॉल r। देखो 4R और 4R मिलके फिर से कितना हो गए 2R। अब ऊपर वाले पाथ पे देखो 2R, R एंड R, तो तीनों सीरीज में मिलके कितना हो गए 4R, और नीचे भी तीनों सीरीज में मिलके कितना हो गए 4R, 4R और 4R पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B 4R अपॉन 2 दैट इज 2R, कितनी आ जानी चाहिए 2R, ओवरऑल इसका हाफ दैट इज 2R, राइट ये बात आपको समझ आई। एक तरीका और भी था देखने का बेटा इसको, अभी मैं मिरर सिमेट्री ही अप्लाई कर रहा हूं।
क्योंकि मिरर सिमेट्री में हमने कहा इन पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करते हैं, तो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए था। तो आप सिर्फ एक हिस्सा उठा लो इसका लेफ्ट वाला पार्ट, इसकी रेजिस्टेंस डिटरमिन कर लो बाद में, उसको इनटू टू कर दो। इनका पोटेंशियल सेम है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ठीक है। तो जब पोटेंशियल सेम है आप इनको ज्वाइन कर दो, इसी बीच में ये आर और ये कॉम्बिनेशन, फिर ये आर और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो ये पॉइंट सबका कॉमन आ जाएगा, जैसे ये पॉइंट कॉमन आ गया उसके बाद आप इनका पोटेंशियल सॉरी इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां तक आसानी से डिटरमिन कर सकते थे, बाद में इनटू टू कर दीजिए, तो एक ऑप्शन वो भी है। गॉट इट, आई होप ये चीज समझ आई होगी। दूसरा बेटा ये तो हम यहां मैंने अप्लाई की मिरर सिमेट्री, दिस इज मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। अगर यहां पे हम फोल्डिंग सिमेट्री को अप्लाई करें तो फोल्डिंग सिमेट्री में एक्सिस कहां से पास कराते हैं, इन्हीं पॉइंट से ए और बी से। तो अभी इनको फिलहाल कनेक्ट कर देते हैं हम, अब ये जंक्शन हटाएंगे नहीं, ठीक है, ये जंक्शन है यहां पे। अब नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट सिमेट्रिक है कि नहीं, यस और नो, और यहां पे अब इस एक्सिस को हटा देते हैं, ठीक है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में बताया था कि मान लो ये पॉइंट P है, जितना इसका पोटेंशियल है, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, तो इसी के कॉन्जुगेट पॉइंट का पोटेंशियल यहां पे भी कितना होगा V1। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V2 है तो पक्की बात है इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V2 होना चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V3 है तो इसका भी पोटेंशियल V3 होना चाहिए। इसका पोटेंशियल अगर V4 है तो इसका पोटेंशियल भी V4 होना चाहिए, यस आर नो। तो अब आप इसका पोटेंशियल अगर V5 है पॉइंट Q का, तो इसका पोटेंशियल यहां पे भी V5 होना चाहिए, राइट। तो अब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनके पोटेंशियल बराबर है, इन बराबर पॉइंट्स पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के अक्रॉस जो जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है उनको आप कनेक्ट कीजिए, या ऐसा करो नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करके आप ऊपर ले जाओ, नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करके ऊपर लेके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को रब कर देना है, और क्या बताया था, एक ही पार्ट ड्रॉ करो उसमें हर रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन टू कर दो। जैसे ये आर है तो इसको आर बाय टू लिख देंगे, इसको आर बाय टू लिखेंगे, इसे आर बाय टू लिखेंगे, ये आर बाय टू, आर बाय टू, आर बाय टू, आर बाय टू, सबको हाफ कर दो। या दूसरा ऑप्शन था कि सबकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करके लास्ट में हाफ कर दो, जो आपका मन करे, राइट। तो करें इसको, चलिए आर बाय टू और आर बाय टू सीरीज में आर, आर बाय टू, आर बाय टू सीरीज में आर, R by 2, R by 2 सीरीज में R, R by 2, R by 2 सीरीज में R, ऐसा नो, तो R R हो गए, R by 2, R by 2 R, हाँ ठीक है। अब ये R और ये R पैरेलल में, ये R और ये R पैरेलल में, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट क्या हो जाना चाहिए, ये पूरा इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस R और R पैरेलल में, दैट शुड बी R by 2। सिमिलरली यहां पे भी ये R और R पैरेलल में, तो ये भी कितना होगा R by 2, तो ये R by 2, ये R by 2 सीरीज में है, उसके आगे ये R by 2 और उसके पीछे ये R by 2, तो चार R by 2 सीरीज में है। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B क्या होनी चाहिए, 4 टाइम्स R by 2 होगी कि नहीं, दैट अगेन कम्स आउट टू बी 2R, यस आर नो, इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां मैंने भी फोल्डिंग सिमेट्री भी अप्लाई करके आपको दिखाया, इससे पहले यही क्वेश्चन हमने मिरर सिमेट्री से भी किया था। और बेटा मेरे ख्याल से ये 9-10 क्वेश्चंस अगर आप कर चुके हैं, इसके बाद किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप सिमेट्री एनालिसिस से सॉल्व कर पाएंगे, सिमेट्री कंसिडरेशंस आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर लंबा जरूर था, बट आई होप ये प्रोडक्टिव रहा होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।